अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में संतान प्राप्ति की क्या संभावना बनती है और संतान प्राप्ति के लिए कौन से उपाय किए जाएं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। देखिए, मेष राशि में सूर्य और बृहस्पति ये संतान देने वाले ग्रह माने जाते हैं और ऐसा देखा गया है कि मेष राशि में आम तौर पर पहली संतान होने में थोड़ा विलंब होता है, फर्स्ट इश्यू होने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेष राशि वालों की जो संतान है ये बड़ी संपन्न होती है और बड़ी यशस्वी होती है। पहली संतान होने में दिक्कत हो सकती है लेकिन फिर भी संतान हो जाती है और संतान बड़ी यशस्वी और बड़ी संपन्न होती है। अगर 2 साल से ज्यादा विलंब हो गया, विवाह होने के बाद 2 वर्ष से ज्यादा अगर विलंब हो रहा हो तभी उपाय करने चाहिए और ऐसा उपाय करने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मेष वालों को नॉर्मली 2 साल का विलंब होता है, तो अगर 2 साल का विलंब होता है तब उपाय मत करिए, 2 साल से ज्यादा का विलंब हो तब उपाय के लिए सोचिएगा। अगर संतान होने में बाधा आ रही है तो जल में जरा सा गुड़ मिला करके, बहुत चुटकी भर गुड़ मिला करके ये जल भगवान सूर्य को अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। और हर रविवार का उपवास रखिएगा, इस दिन नमक का सेवन मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से आसानी से हो पाएगी। वृषभ राशि, यहां पर संतान की प्राप्ति होती है बुध की वजह से और शनि की वजह से। और वृषभ राशि के अगर आप हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, तो एक बात जान लीजिए, यहां संतान होने में थोड़ी बाधा आती है। वृषभ राशि वालों के जीवन में थोड़ी सी मुश्किल संतान होने में आती है और बाधा का कारण होता है आम तौर पर हार्मोन। हार्मोन की समस्या की वजह से बाधा आती है या कभी कभी पति या पत्नी को डायबिटीज हो जाती है जिस वजह से संतान होने में दिक्कत पैदा होती है। लेकिन अगर ये दवाई करवाते हैं, मेडिकल की शरण में जाते हैं, सहायता लेते हैं, उपाय करते हैं तो संतान हो जाती है। वृषभ वालों को संतान थोड़ी मुश्किल से होती है लेकिन होती जरूर है। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है और आपको संतान होने में दिक्कत आ रही है तो भगवान कृष्ण को नियमित रूप से 2 पत्ते तुलसी के आपको अर्पित करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। 2 पत्ते तुलसी के भगवान कृष्ण को अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए, संतान की प्राप्ति आसानी से होगी। और खान पान का ध्यान रखिएगा ताकि आपको हार्मोन्स की समस्या परेशान ना कर सके। मिथुन राशि, शुक्र और शनि यहां पर 2 ग्रह हैं जो इनको संतान देते हैं और यहां पर संतान होने में आम तौर पर समस्या नहीं होती। मिथुन राशि वालों को संतान बहुत सरलता से, बहुत आसानी से हो जाती है। फिर भी अगर विलंब होता है तो ये दंपति की अपनी इच्छा से होता है। मिथुन राशि वालों को संतान प्राप्ति में दिक्कतें नहीं होती, लेकिन बहुत बार पति पत्नी ये निर्णय लेते हैं कि हम 2 साल रुकेंगे, हम 4 साल रुकेंगे, इस निर्णय की वजह से वो संतान नहीं करते हैं, ऐसा हो सकता है। अन्यथा संतान होने में इनको कोई बाधा नहीं होती है।
अगर आपकी राशि मिथुन है और आपको कहीं से भी लग रहा है कि संतान प्राप्ति होने में आपको दिक्कत आ रही है, तो भगवान शिव को रोज सवेरे आप जल अर्पित करके प्रार्थना करें, आपको संतान बहुत आसानी से हो जाएगी। कर्क राशि, मंगल और बृहस्पति यहां संतान देने वाले ग्रह माने जाते हैं। वैसे कर्क राशि के लोगों को संतान के मामले में समस्या कम होती है, संतान प्राप्ति की मुश्किल इनके जीवन में कम आती है। हालांकि इनको आम तौर पर एक ही संतान होती है। कर्क राशि अल्प संतति की राशि है, ज्यादा संतान होने की संभावना नहीं होती, एक संतान होने की संभावना ज्यादा होती है। कर्क राशि की जो महिलाएं हैं उनको मैं बता दूं कि अक्सर वो तनाव, डिप्रेशन या अवसाद में चली जाती हैं, मन को अपने खराब कर लेती हैं, और जब उनका मन खराब होता है तो संतान का कॉन्सेप्शन नहीं हो पाता। इसीलिए आपको अपने मन वाले पार्ट को भी ठीक रखना होगा अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और संतान होने में बाधा आ रही है तो नित्य प्रातः और सायं, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनह लोक भयो अंधियारो, इस स्तुति का पाठ करिए और मंगलवार का उपवास रखिएगा, मंगलवार को नमक का सेवन नहीं करेंगे। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करते जाएं, अगर ये उपाय आपका नियमित रूप से होता जाए तो संतान की प्राप्ति आपके लिए निश्चित रूप से आसान होगी। सिंह राशि, सिंह राशि में संतान के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है और मंगल जिम्मेदार होता है, और सिंह राशि में भी सामान्यतः संतान होने में मुश्किल नहीं आती है, संतान इनकी आसानी से हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन एक संतान को लेकर के, उसके जीवन को लेकर के, उसके करियर को लेकर के अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अक्सर जीवन में परेशानियां होती हैं किसी एक संतान को लेकर के। हालांकि संतान इनको आसानी से हो जाती है। सिंह राशि वालों के संतान प्राप्ति में बाधा की सिर्फ एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि कभी कभी इनका विवाह बहुत विलंब से होता है, और जब इनका विवाह बहुत विलंब से होता है तब इनको संतान प्राप्ति में बाधा आती है, अन्यथा सामान्यतः संतान प्राप्ति में बाधा नहीं आती है। अगर संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है तो केले के पौधे में नियमित रूप से आप जल डालिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और रोज सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को नियमित रूप से पीले फूल अर्पित करिए, पीला फूल भगवान विष्णु को चढ़ाइएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के साथ ये है कि या तो इनको संतान तुरंत हो जाती है, इंस्टेंट शादी हुई और संतान हो गई, या संतान होने में अनावश्यक विलंब होता है, अनावश्यक देरी होती है, ऐसा भी होता है। लेकिन आम तौर पे कन्या वालों को नॉर्मली थोड़ी सी मुश्किल संतान होने में आती है, और आम तौर पे ये मुश्किल ये आती है कि पहले एक आध बार मिसकैरेज होता है या मिसकैरेज होने की संभावना बनती है तब संतान होती है, लेकिन हो जाती है। अगर आपकी राशि कन्या है और संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है
तो शनिदेव के मंत्रों का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को आप जप करें अगर आपकी राशि कन्या है तो। और पीपल के पौधे सार्वजनिक स्थानों पर, सड़क के किनारे, पार्क में, मैदान में, जहां भी संभव हो पीपल का पौधा लगवा दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कन्या वाले ये बात समझ लें कि शादी के बाद बहुत अकल मत लगाइएगा, बहुत विलंब मत करिएगा, नहीं तो आगे चलकर के मुश्किलें होंगी। तुला राशि, संतान होने में अगर ये देरी ना करें जानबूझकर, यानी सही टाइम पर संतान के लिए प्रयास करें, तो आम तौर पर इनको समस्या नहीं होगी, संतान इनको आसानी से हो जाएगी। होता क्या है कि तुला राशि के जो पति या पत्नी होते हैं वो अक्सर चीजों को टालते रहते हैं कि अभी 2 साल बात करेंगे, अभी 3 साल बात करेंगे, और जब टालते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब संतान होना ही इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आपकी राशि तुला है, 1 साल इंतजार कर लें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा देरी मत करिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा देरी करेंगे तो संतान की प्राप्ति में बाधा पैदा होगी, दिक्कतें जरूर आएंगी। अगर आपकी राशि तुला है और संतान होने में बाधा आ रही है, संतान होने में दिक्कत आ रही है, तो भगवान कृष्ण को रोज या हफ्ते में 1 दिन माखन मिश्री का भोग लगाइएगा और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। शनिवार के दिन 1 समय का उपवास रखें, पूरा दिन रखना चाहें पूरा दिन रखें, नहीं तो 1 समय केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें, आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। वैसे तुला वालों को ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा प्लानिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा टालते हैं, तब संतान होने में मुश्किल अवश्य होती है। वृश्चिक राशि, संतान के लिए जिम्मेदार है बृहस्पति और दूसरे नंबर पे जिम्मेदार है चंद्रमा। वृश्चिक वालों को संतान बिना बाधा के तुरंत हो जाती है और ज्यादातर इनको संतान प्राप्त करने में या संतान करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। अगर संतान होने में विलंब हो रहा है तो इसमें हार्मोन की समस्या जिम्मेदार है। हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से संतान में दिक्कत होगी, अन्यथा वृश्चिक राशि वालों को संतान प्राप्ति में दिक्कत नहीं होती। और वृश्चिक वालों के साथ एक बड़ी बढ़िया बात है कि इनको ट्विंस होने की संभावना बहुत होती है, या आम तौर पे वृश्चिक वालों के अगर 2 बच्चे होते हैं तो 1 बच्चे के स्वभाव और व्यवहार को लेकर भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि वालों को संतान आसानी से हो जाती है। अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो बृहस्पतिवार का उपवास रखना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। बृहस्पतिवार का व्रत रखिए जल और फल ग्रहण करके, और रोज सवेरे जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें, आपको संतान अवश्य होगी। धनु राशि, निश्चित रूप से संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, बाधाओं के बाद, मुश्किलों के बाद संतान पैदा होती है और कुछ न कुछ चिकित्सा के कारण जरूर मौजूद होते हैं, इनके संतान प्राप्ति में कुछ न कुछ मेडिकल दिक्कतें होती हैं। धनु वालों का यह भी होता है कि एक संतान पैदा की सन 2000 में और दूसरे के लिए प्रयास कर रहे हैं 2012 में, 12 साल बाद, 14 साल बाद,
यानी दोनों संतानों के बीच में गैप जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। अब अगर मेडिकल के कारणों की वजह से आपको संतान नहीं हो पा रही है तो क्या करना चाहिए? रोज सुबह और शाम शनि चालीसा का पाठ करिएगा। सुबह शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ सोमवार का उपवास अगर आप रखें तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, आपकी संतान उत्पत्ति की मुश्किल दूर हो जाएगी। मकर राशि। सामान्यतः मकर राशि वालों को संतान बड़ी सरलता से होती है और बिल्कुल टाइम पे हो जाती है, उसमें ज्यादा दिक्कत आम तौर पे नहीं होती, लेकिन ये अल्प संतति की राशि है इसलिए आम तौर पर एक ही संतान रहती है, ज्यादा संतान होने के योग इनके लिए नहीं बनते। मकर वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है? मकर वालों की प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादातर संतान के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इसीलिए जब इंटरेस्ट नहीं होता है तो पत्नी के प्रभाव से या पति के प्रभाव से एक संतान के लिए तैयार हो जाते हैं और वो एक संतान इनको आसानी से हो जाती है। संतान होने में अगर बाधा आ रही है तो भगवान शिव की उपासना करें नियमित रूप से, सुबह और शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। साथ ही साथ मांस मदिरा और नशे की वस्तुओं से अगर आप परहेज करें तो संतान की प्राप्ति भी बेहतर होगी और संतान का जीवन भी बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए संतान उत्पत्ति में विलंब होता है, लेट होता है, किसी न किसी पारिवारिक समस्या की वजह से। अब ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी एक दूसरे से दूर नौकरी करते हो, मुलाकात ही बहुत कम हो पाती हो। दूसरा ये होता है कि परिवार के जो लोग हैं वो घर में इतनी अशांति पैदा करते हैं, इतनी निगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं कि गर्भ धारण कर पाना महिला के लिए कठिन हो जाता है। आम तौर पर कोई पारिवारिक कारण होता है जिस वजह से कुंभ राशि में संतान होने में थोड़ा विलंब होता है। अगर संतान होने में बाधा आ रही है तो भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। इसीलिए संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो भी और अगर बाधा आ रही है तो भी ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करते जाइएगा, आपको लाभ होगा। और अगर संभव हो तो एकादशी का नियमित रूप से उपवास रखें, जल और फल ग्रहण करके अगर आप उपवास रखेंगे तो संतान की प्राप्ति आपके लिए आसानी से हो जाएगी। मीन राशि। अक्सर कई बार संतान उत्पत्तियों में गड़बड़ी होती है और गड़बड़ी के बाद संतान हो जाती है, जैसे कहते हैं ना कि बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है। आपको पहले उपाय बताया था कि बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो क्या करें, अपने आप ऑटोमेटिकली मिसकैरेज हो जा रहा है या तमाम प्रयास करने के बावजूद कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। गड़बड़ियां थोड़ी बहुत होती हैं और इनका अपना जो स्वास्थ्य है, जो इनका अपना हेल्थ है, वो थोड़ा कहता है कि अभी इंतजार करो, जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तब संतान के लिए प्रार्थना करूंगी। इनका जो स्वास्थ्य है ये बार बार संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा करता है। अगर आपकी राशि मीन है और संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो एक चांदी का छल्ला या चांदी का एक कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में, अगर पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में और अगर महिला हैं तो बाईं कलाई में चांदी का कड़ा पहन लें।